हो गई थी ना, टीका चल रही थी, ये पूरी हो गई थी। ये कहीं तो है ही भाई, 330 पेज पे। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति तीसरी पंक्ति के बाद शुरू होती है और उसके ऊपर की जो एक पंक्ति है तीसरी पंक्ति, उस पंक्ति में पिछली गाथा में क्या कहा, पिछले टीका में क्या कहा, इसका निष्कर्ष उन्होंने दिया है। इससे निश्चित होता है कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला नहीं है। मैं ये सब बताने के लिए वो सारी प्रक्रिया बताई, क्या कि इससे निश्चित होता है कि आत्मा ने को अपना पुद्गल पिंड बना कुछ पुद्गल के बारे में कुछ करना नहीं है। कल तो वो तीन बातें बताई थी ना, याद है, कुछ करना नहीं है, उन्हें लाना नहीं है और लाकर उन्हें फिर परिवर्तित करके आत्मा के साथ मिलाना नहीं है। ये सब काम अपने अपनी योग्यता से अपने अपनी जगह पर होंगे। और तीसरी पॉइंट पर उन्होंने ये कहा था कि आत्मा के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त पाकर, उन्होंने इसमें निमित्त की बात बताई थी, उन दो में तो जीव को निमित्त भी नहीं बताया था, काय में उनका करने में और लाने में, लेकिन उनको परिणमित होकर एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधन को प्राप्त होंगे, उसमें आत्मा के मोह राग द्वेष के परिणाम निमित्त हैं, ये बात कही थी। उसका निष्कर्ष से निकाला कि तुम्हारे जिम्मे कुछ नहीं है, क्योंकि निमित्त बनने की तो आपने हमको थोड़ी गुंजाइश छोड़ी थी ना कि हमारे निमित्त से वो होंगे। हाँ, तो तुम्हारे निमित्त से वो होंगे, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं करना। इसके लिए मैं एक उदाहरण ऐसा देता हूँ जानबूझकर चित्र का, कि एक महिला का चित्र वहाँ लगा है, जैसी भी नग्न अर्धनग्न जैसी भी पोजीशन में हैं, और उसे देखकर किसी के मन में कोई विकल्प खड़े हुए, तो उसमें उस महिला का कितना योगदान। मैंने असली महिला भी खड़ी कर सकते थे, और जो वो हाव भाव दिखा रही ना अपने चित्र में, वो असली महिला भी दिखा सकती थी। कई जगह आजकल ऐसा होने लग गया है कि विज्ञापन के लिए भी वो असली महिलाओं को खड़ी कर देते हैं, चित्र ही नहीं लगाते हैं। खासकर ये तुम्हारे टीवी पे खेल मेल खेलते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, तो उसमें भी कुछ महिलाएं रहती हैं उनके मनोरंजन के लिए, और जब भी तो क्रिकेट थोड़ा एक सेकंड को बंद होता है तो वे नाचने लगती हैं, बाकी टाइम पर वो ना खिलाड़ी नाचते हैं उनका नाच बंद होता है तो वो नाचने लगते। लेकिन भाई अपन ने तो कागज की महिला खड़ी की, क्यों? क्योंकि अपन को उसका भाई सही स्वरूप समझाना है कि यदि वो चेतन हो तो कहें उसने कुछ किया, उस पर हम आरोप लगा देते हैं। वो हाव भाव कर रही हो तो उसके हाव भाव करने पर हम आरोप लगा देते हैं। अब वो तो चित्र है, जो महिला का है उसे तो पता भी नहीं है कि हम इसका चित्र लगा है, और वो कोई हाव भाव कर रही, उसका तो कोई योगदान उसमें है ही नहीं, यानी कि वो चित्र को देख करके उससे फिर उसका मन विचलित हो गया। अभी तो उसका ही हुआ ना, उस चित्र को देखकर, तो चित्र तो निमित्त मात्र हुआ। ऐसा निमित्त मात्र का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय। तो कहते नहीं, वो दो तरह के निमित्त होते हैं, एक निष्क्रिय एक सक्रिय, माने एक प्रेरक और एक उदासीन। सक्रिय निमित्तों को प्रेरक कहते हैं और निष्क्रिय निमित्तों को उदासीन कहते हैं। तो वो
अपने ये है ना स्टोप देश में एक कारिका आई है, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गते धर्मांसि कायवत, सभी निमित्त ऐसे उदासीन निमित्त जैसे ही निमित्त हैं जैसे गति में धर्मांसि का है। जीव पुद्गलों के चलने में धर्मांसि का उदासीन निमित्त है ना, तो वो सिर्फ बाकी के निमित्त भी ऐसे ही हैं गति धर्मांसि कायवत। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे भेद ही क्यों किए, क्योंकि सब तुम तो हर बात को ऐसे उड़ाते जाओगे, भेद क्यों किए। गुरुदेव की ये विशेषता है, अभी आप अध्ययन करते हो तो ध्यान देना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कारण बताएंगे, उन्हें वे खोजते हैं, शास्त्र में खोजते हैं पूरी तरह से, नहीं तो अपने माइंड में खोजते हैं, और उनकी खोज बिल्कुल सही दिशा में होती है। एक तो चिंतन ही नहीं होना, और चिंतन होना तो उसका सही दिशा में होना ये भी जरूरी है ना, उल्टी दिशा में भी सोच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ है, वो जो निमित्त है वो सक्रिय है द्रव्य है कि निष्क्रिय द्रव्य है, ये बताने के लिए हमने ऐसे निमित्तों के भेद किए। जैसे हवा है, ध्वजा के फड़कने में हवा निमित्त है, तो हवा चल रही ना है, और जीव पुद्गल के चलने में धर्मांसि का निमित्त है, वो स्वयं स्थिर है, वो चल नहीं रहा, तो वो निमित्त स्थिर है कि चल रहा। सिर्फ इतना भेद हमको करना है, वो यहाँ कुछ कर रहा है प्रेरक है तो प्रेरणा कर रहा है, और वहाँ वो कुछ नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब ये। तो अभी आप समझो कि प्रेरक शब्द का अर्थ सब जगह जैसा आप समझते हो प्रेरणा देने वाला ऐसा ही नहीं होता। जैसे देखो आपको अध्यापक वचनों से प्रेरणा देकर समझा कर दंड का भय दिखाकर पुरस्कार का लोभ देकर ऐसे भी प्रेरणा दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने गुरु की सुबह से शाम तक दिनचर्या देखकर उनका सब रहन सहन खान पान उठना बैठना देखकर भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अब गुरु ने उसमें कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, वो तो सहज भाव से अपनी जैसी परिणति उसकी रोजी ना सुबह से है वैसी सुबह अपने उसमें परिणमित होता है, और आपको ध्यान में आ गया, किसी के ध्यान में चढ़ गई बात, ख्याल में आई ना, तो उसने प्रेरणा ले ली। और ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि भाई मैंने देखा हमारी सभा में, हम जब वहाँ बैठते थे सभा करने के लिए, तो यहाँ सभा बैठती थी हम लोग रहते थे, तो एक श्री राम जी हमारे दिन रोजाना के श्रोता थे, और रोजाना भजन बोलते थे वो प्रवचन के बाद, वो बहुत प्यारा आध्यात्मिक भजन बोलते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके भजनों की आज तक याद आती है, यदि हमारे पुराने श्रोता हैं उनमें कई लोग उन्हें जानते हैं अच्छी तरीके, अब तो स्वर्गवास हो गया। ये उनका बिल्कुल एक दैनिक कार्यक्रम था, समय पे आना, प्रवचन पूरा सुनना, प्रवचन खत्म होना, उन्हें अपने डायरी में से निकाल के तैयार रखते थे, भजन बोलते थे, और वो सुबह 5 बजे उसके घूमने जाते थे, 80-85 वर्ष के होंगे क्यों शांति के, बहुत मतलब काफ़ी उम्र के थे, और बिल्कुल दुबले पतले से किया पहलवान, हड्डियाँ निकली, और सुबह 5 बजे घूमने जाते थे। ऐसे नहीं बरसात हो, भयंकर हो, ओले पड़ रहे हों, तो सारे कपड़े लपेट कर छतरी लेकर फिर जाएंगे, फिर जाकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी में वो डालाने हैं ना लंबी लंबी, तो उनमें घूमते रहेंगे, लेकिन उनका जो कोर्स 1 घंटे करीब जितना भी होता होगा, फिर रुक जाना बरसात में, भयंकर गर्मी में, सर्दी में, उसका कोई वो नहीं था, वो निरंतर अपने मृत्यु तक ये बराबर करते रहे।
उनने तो किसी को तो प्रेरणा दी नहीं, अपन तो निमित्त समझा रहे ना, लेकिन उनकी ये प्रवृत्ति सुनकर आज भी आप प्रेरणा ले सकते हो। उन्हें मरे तो 10-20 वर्ष हो गए होंगे। मैं क्या मतलब कह रहा हूँ कि प्रेरक निमित्त उदासीन से ज्यादा उदासीन होते हैं, वे तो है ही नहीं ना। आप समझ गए ना, मतलब ये कुछ निमित्त ये कुछ कर देता है और वे कोरा नाम का ही निमित्त है, ऐसा नहीं है। वे कहते सभी निमित्त धर्मास्थिकर वध उदासीन ही हैं, सिर्फ वो द्रव्य स्वयं क्रियाशील हैं कि नहीं हैं, सिर्फ इतना ज्ञान कराने के लिए उसके दो भेद किए गए हैं। ये गाथा तो अपन ने कल पढ़ी थी ना, लेकिन इसका अर्थ यदि अभी पढ़ना है अपन को तो एक दफे और पढ़ गए। इसकी अंतिम पंक्ति जो मैंने टीका की पढ़ी थी अमृतचंद की टीका की, इससे निश्चित होता है कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला नहीं है। अब आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में यद्यपि इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट करते हैं, तथापि निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं। मैंने ये देखा गया है अपन ने कहने को तो जो अपन ने समय प्रचनसार कुंद कुंद की गाथाएं दी और अमृतचंद की टीका दी, और फिर जयसेन आचार्य का क्या दिया, एक नीति नक्की की कि जो बात अमृतचंद में आ गई है वही बात यदि जयसेन आचार्य ने रिपीट की है तो उसे नहीं लेना, और कोई नई बात यदि उन्होंने लिखी है तो उसे देना। मैंने बुद्धिपूर्वक तो एक पंक्ति वो अमरचंद की नीति के अनुसार कि वे ऐसा इतना लोभ नहीं करते हैं, एक पंक्ति जरूर लिखना कि अमरचंद की टीका के अनुसार ही शेष बातें तो वे लिखते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखने से लोग ये समझते हैं कि जैसे ना चाहिए ने सिर्फ इतना ही लिखा है, जो भी निष्कर्ष अपन जो नई बात लिखी होती है ना और वो बताने के लिए उसे कोट करते हैं तो वो लोग समझते हैं उनने इतना ही लिखा, जबकि उन्होंने जो अमृतचंद ने लिखा वो भी लिखा। इसलिए ये पंक्ति में लोग नहीं करते, 50 दफे रिपीट करनी पड़े लेकिन वो यथास्थान वो उतनी रिपीट करेंगे ही, वो एक नीतिगत बात है। अब ये देखिए, अब इससे आप कहोगे क्या भी कि आपने उनको ज़्यादा महत्व दिया इनको कम महत्व दिया। आपको मालूम पहले एक जमाने में अभी 50 साल पहले एक बात चली थी बहुत जोर से, अमृतचंद सोनर वाले अमृतचंद को मानते हैं जैसे इनको नहीं मानते, और फिर चूंकि सोनर वाले अमृतचंद को मानते हैं इसके लिए अमृतचंद काष्ठा संघी है, उनके डिफेंस क्या निकाले जा सकते हैं इसकी रिसर्च शुरू हुई थी। जैसे अपन टोडर मल जी को मानते हैं तो टोडर मल जी की 70 गलतियां उन्होंने निकाल ली, ऐसी उन्होंने काष्ठा संगीत में ऐसा कहना शुरू किया था।
अब फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा हुआ क्यों, जरा बेचें तो बात ऐसी थी कि जब स्वामी जी थे तब अमृतचंद की टीका के अनुवाद तो जयचंद जी छाबड़ा का मौजूद था, जयशंकराचार्य की टीका का हिंदी अनुवाद मौजूद नहीं था और उसमें व्याकरण और नियमों की मुख्यता से ज़्यादा कथन है। बाल बुद्ध ने टीका है ना, तो व्याकरण भी बताते हैं और वे नए भी बताते हैं कौन सा नए लगाना कौन सा नए नहीं लगाना, तो उनके लिए सहज भी नहीं था क्योंकि हिंदी अनुवाद नहीं था ना और संस्कृत के वो विद्वान थे नहीं हैं, तो इसलिए सहज कम पढ़ने में आई बात। जब बाद में टीकाएँ हो गई तो उन्होंने पढ़ी अच्छी तरह से, उनको कोई ऐसा बैर विरोध उसमें नहीं था। 320 गाथा की जो टीका के बाद जो गाती है टीका, तो उस पर उन्होंने पूरी किताब बन गई उनकी, इतने प्रवचन किए तो अपने लोग उसे पेश करते थे। देखो आप कैसे बनते गुरुदेव, गुरुदेव तो ने इतना जयशंकराचार्य को इतना महत्व दिया, उनकी टीका पे इतना इतना बोला, एक किताब बन गई 100 पेज की। खैर अब वो जो भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल उसके संबंध में भी चलती रही और वो क्या थी, कि वो टीका वास्तव में 320वीं गाथा की थी ही नहीं। अब आप लोगों को भी पता है कि नहीं है ज्यादा क्यों, तो 320 गाथा की नहीं थी, तो क्या थी कि 320 गाथा पूरी हो गई और उनने तो उस अध्याय को भी पूरा मान लिया और उनने ये लिखा कि इसके बाद आत्मा के अनुभव के संबंध में मैं कुछ बात लिखना चाहती, मैंने बस वही कोई विशिष्ट अलग ही बात लिखना चाहते थे, वो पूरी समझ लो 320 गाथाओं में जो बात आई थी उसके बारे में जो उनके विचार आए, तो उनने वो 320वीं गाथा के बाद और बाकी 321वीं के पहले ऐसा समझ लो वो टीका उन्होंने लिखी, तो उसको सब गुरुदेव भी 320वीं गाथा की टीका बोलने लगे, तो सब गतानुगत के लोग थे, ऐसे लोग होना चाहिए थे कि अत्यंत विनयपूर्वक जाकर उनसे कहते कई गुरुदेव 320वीं गाथा तो खत्म हो गई और ये इसकी टीका नहीं है, ये अलग से है। तो वो वैसा कि बहुत सरल थे गुरुदेव, बहुत सरल थे, ऐसा नहीं कि बुरा डरने की बात नहीं थी, लेकिन सच्ची बात ईमानदारी की है कि किसी की समझ में ही नहीं आई, कोई ने देखी ही नहीं, कोई ने इस तरह का माथा ही नहीं लगाया, बस अकेला सुन लेने में ही धर्म समझ लेते थे, जैसे अपने इधर के लोग पूजा पाठ कर लिया है कोई स्तुति बोल ली तो उसमें धर्म समझ लेते हैं, प्रवचन सुन लिया बस धर्म हो गया, बस मैंने उसे गहराई से सोची नहीं। और फिर जब मैंने कही गुरुदेव श्री से कि ये बात ऐसा ऐसा है, तो फिर उनने कहा कि तुम कैसे कहते हो, मैंने कहा ऐसे कहते हैं कि इन गाथाओं में जो विषय वस्तु है वो इसमें बिल्कुल आई नहीं, 320वीं गाथा में जो विषय वस्तु है ना वो मालूम क्या है, चक्षु ऐसी है ना है किसी को याद, 320वीं गाथा इतनी प्रसिद्ध है फिर याद नहीं है, तो एक सेकंड में निकल जाएगी। अब जो इसमें जो वर्णन है जो चक्षु अभेदक जो उसमें बिल्कुल नहीं है वो, और ये बिल्कुल आप टीका पढ़ो जयसेन की भी तो उन्होंने खत्म कर दी है उस बात को, हम अमृतचंद ने भी खत्म कर दी है,
और जैसे उन्होंने अध्याय भी खत्म कर दिया, फिर द्वारा जहाँ हमें तुमने किया वहाँ उन्होंने फिर द्वारा कर दिया है ना। तुमने कहा देखो विषय ही नहीं है, तो मुझे तो इसी वजह से पता चला कि मैं जब देखूँ इसमें विषय वस्तु है फिर उसमें बनूँ तो मिला ही नहीं वो, और बिल्कुल अलग बात है। यानी वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं थी, मतलब सहज भाव से ही उसे देखते, अरे हमारी कैसी बुद्धि हो गई है। हम ऊपर ये कारिका पढ़ गाथा पढ़ रहे हैं, ये कारिका गाथा ये तो जानते होगे ना तुम, न्याय शास्त्र में सब कारिका बोलते हैं, प्राकृत में ये गुण होती हैं, अभी गाथाएं के बोलते हैं, अभी छंद बोलते हैं, जो भी अलग अलग। अभी तो उनकी ये समझ में नहीं आता कि नीचे ये बात है कि नहीं है, मिलान की कोशिश ही नहीं करते हैं। फिर हम प्राकृत नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, हमने कोई विधि पूर्वक प्राकृत थोड़ी पढ़ी, जैसे बंदे संस्कृत पढ़ी है कि हिंदी पढ़ी है, ऐसी प्राकृत थोड़ी पढ़ी। बस एक गुंद गुंद की गाथाएं पढ़ते रहे, गोम साल की गाथाएं पढ़ते रहे, उसको ऐसे में जितनी प्राकृत आ गई जो आ गई। मैंने प्राकृत का व्याकरण नहीं पढ़ा, सच्ची बात यह है। तो मेरे कहने का फिर भी मिलान तो करते हैं ना, ऊपर से नीचे देखते हैं ना, अपना भी लिखते हैं वो, तो उसमें देखते हैं ना, वो देखते हैं, ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि गाथा के अनुसार अर्थ है कि नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि चाहे जो गाथा में हो फिर वो भी पढ़ दिया, फिर हिंदी का पढ़ दिया, यदि वो उसी गाथा का पद्यानुवाद है कि नहीं है, इस पर ही ध्यान नहीं देते। समझ रहे ना, मैंने जो हमने ये गाथा पढ़ रहे हैं तो इसका हमने गद्यानुवाद और पद्यानुवाद दोनों ही लिखा है ना नीचे, और दो दो लेन में लिखा है, तो इतना बड़ी लंबी चीज तो नहीं है, और वो गाथा इतनी उपेक्षणीय तो नहीं है कि हम उसके में तो छह पंक्तियों को तो हम आपस में मिलाना चाहिए कि नहीं। मेरे को एक और विकल्प आता है, आज बोल देता हूँ तुम लोगों को, कि मैंने स्वयं ही जो पद्यानुवाद किया है वो और फिर गद्यानुवाद किया है वो, एक समस्या है कि मैं अपने पद्यानुवाद का गद्यानुवाद करूं कि गाथा का। तुमने सोची कभी ये समस्या कि जब आप उसने ही किया है तो वही होगा, कुछ छंदानुरोग से कुछ बातें आ जाती हैं, छूट जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, तो मैंने उस गाथा से लिखा है, वो पद्यानुवाद से नहीं लिखा। मैंने पद्यानुवाद का अर्थ नहीं किया, आपका उसमें क्या है, बात तो एक ही भाई ना। नहीं भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मिलान, आप यदि मिलान करते तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि दादा ये पद्यानुवाद में ये बात नहीं है, ये गद्य में लिख दी, आपने गद्य में नहीं है पद्य में लिख दी, लेकिन कोई माई का लाल पूछते ही नहीं है, तो मुझे लगता है मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। मेरी मेहनत मेरा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग बारीकी से अध्ययन करना सीखें इसके लिए मैं ये बातें कहता हूँ। जैसे कोई अच्छा बहुत ही बढ़िया चित्रकार होता है, एक ने बढ़िया रफ बना दिया और दूसरे ने बहुत मेहनत करके बढ़िया बनाया, और आप दो ही एक से दिखें आपको, तो जो मेहनत करने वाले को ऐसा लगता है ना मेरी मेहनत देख, यानी मैंने जो इसमें इतनी विशेषता डाली है और मैं समझता हूँ कि उसकी कीमत होनी चाहिए, तो उसको तो कोई समझ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, क्या करें। अब देखा करना, वो मिलेगा, उसका समाधान भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा, मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ अभी अपने। अब जैसे ना चार्य की तात्पर्य तिथि का के जो वो प्रश्नोत्तर लिखा कर जो लिखते हैं वो चीज, तो इस तरह मैंने ये बता रहा हूं आपको, तो जैसे उनकी टीका भी पूरी आ गई, क्योंकि अपन ने जो बातें अमरचंद की टीका में नहीं आई थी और वो बातें जैसे उनकी टीका में आई वो सब लिखी इसमें, तो पूरी हो गई कि नहीं, और बोझान भी नहीं बढ़ा हमें, दो नहीं पढ़ी अभी, समझाओ तो ये तो कोई समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें जैसे उनकी अलग छाप दी,
और अमरचंद की अलग छाप दी, ऐसे ही छपा ना अपनी अपनी संस्थाओं से। मैं कि ऐसा क्यों कर रहे, क्या जरूरत है इसकी, तुम समझे क्या कह रहा हूँ, तुम क्या क्या फर्क किया हुआ, पता बोलो खड़े हो क्या बस, क्या समझा रहा हूँ मैं। मैं तो भी अपन से पूछें, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनने दोनों क्यों दी। हमारा ऐसे करने से ही काम चलता था ना, क्योंकि जयसेनाचार्य का भी पूरा भाव आ जाता था। फिर समझो कि जैसे अमरचंद की तो टीका पूरी लिखी है, और जो बात जयसेन की टीका में नहीं आई, अमरचंद की बात में की टीका में नहीं आई जो बात, वो बात जयसेन की में है, तो वो भी हमने दे दी, तो पूरी हो गई ना। फिर क्योंकि जयसेन जैसी थी वे बातें छोड़ी, जो रिपीटेशन था वो छोड़ा। और उनने कहा कि हमने जयसेन की भी पूरी दे दी, यहाँ ये भी ऊपर फिर जयसेन की भी दे दी, और फिर अमरचंद की भी दे दी, फिर की भी दे दो, फिर जयचंद जी की भी दे दो, हुकुमचंद जी की भी दे दो, सबकी दे दो ना। तो अरे जिसको फिर ऐसा अध्ययन करना होगा वो छह किताबें रखेगा अपनी टेबल पे, जैसे मैं रखता हूँ ना, विरोधी से विरोधी की भी हैं। और जब भी कोई गाथा का ऐसा महत्वपूर्ण होती है जिसमें अर्थ में कोई गहराई से समझने कुछ होता है, तो सबकी देखता हूँ। और यदि कोई नई बात आती है किसी दूसरे की में मिलती है, तो मैं उसे देता हूँ उसके नाम से। कहाँ दिया, एक आध उदाहरण दे सकते हो तुम? मैंने बताया है आप लोगों को, बोलो क्या क्या दिया। दिया ना, वीर सागर महाराज के नाम से दिया। और पंडित जो है ना छोटे बर्णी जी, मनोहर लाल बर्णी ने वो प्रत्येक आत्मा शब्द का जो अर्थ लिखा है वो अपने किसी में नहीं था, वो मैंने वहाँ से लिया था, तो उनके नाम वो भी दिया। अब वो एक शब्द दिया प्रत्येक आत्मा, हजार देखे होंगे जब एक छांट के लिखा, लिखने में तो एक लाइन में आ गई, लेकिन उसके पीछे कितना श्रम है और किस तरह से अध्ययन किया है उसका, ऐसा नहीं ना। करें तो समझा, बताया था ना कि शास्त्र लिखने का काम फाड़ू लोग लगना चाहिए, ये तो मालूम है तुम्हें, वो अपने हर विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, साल में एक दफे सुनाना चाहिए, क्योंकि नए विद्यार्थी आएंगे तो उन्होंने नहीं सुनी होगी है? जानते हो ना फाड़ू लोग कितना जानते हैं, जो नहीं जानते हो हाथ उठाओ। फाड़ू लोग किसे कहते हैं, जो नहीं जानते हो बस उठ गए, और जानते हैं उनके हाथ उठाओ। स्पष्ट दिख रहा कि भाई एक जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए आए हैं वे नहीं जानते हैं। एक माँ का बेटा बनारस से पढ़ के आया, बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन के आया, तो वो रात भर लिखता था, कोई शास्त्र लिखता था, गद्य पद्य जो भी लिखता था, और उस रात में 12-1 बजे जब सोता था, सो जाता था, वो लिख देता था, फिर सुबह 5 बजे उठा करके वो अपना ही लिखा पढ़ता था, तो वो उसे फिर फाड़ के फेंक देता था। क्या तो उसकी माँ ये रोजाना देखती थी कि रात भर इतनी मेहनत करता है, लिखता है, और सुबह फाड़ के फेंक देता। कोई बीमारी हो गई इसको, इसका इलाज कराना चाहिए। तो एक वैद्य जी पास में रहते थे, तो वो अम्मा बोली कि वैद्य जी मेरे बेटे को ऐसा ऐसा होता है, तो कौन सी बीमारी है? तो कहा ऐसा रोजाना होता है क्या? हाँ। तो कि तुम्हारे बेटे को फाड़ू रोग हो गया है? तो इलाज क्या के? दवाई के? दवाई की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं परहेज बता देता हूँ। सुबह उठकर रोजाना भैंस के दूध का दही ठंडी पूरी के साथ
खिलाना, नाश्ते में क्या ठंडी बासी पूरी, गर्म नहीं करना उसे, वो समझे ना, घी की पूरी और वो ठंडे दही में सुबह रोजाना खिलाना, 3 महीने में ठीक हो जाना। तो हो गया ठीक, कैसे? इस ऐसे हो गया कि वो बहुत ही मादक टाइप का हो जाता है, जैसे वो बन जाता है ना वो दही, पर वो आलस बहुत पैदा करता है, आलस पैदा करता है, नींद आती है, नींद आती है तो धीरे धीरे वो आदमी फिर ज़्यादा श्रम करने की नेचर वाला नहीं रहता, फिर कहता ठीक है अच्छी चलता चलेगा चलेगा, क्यों साहब ये जो कहती है नहीं इसमें विचारने की जरूरत है, लेकिन है तो ठीक ना, चलेगी ना है? चलेगी ना है? कि तुझे चलाना है, कि बढ़िया से बढ़िया बनाना है, बोल है? अभी तेरे किताब के बिना भी चल रहा था, तुझे तो उत्कृष्ट बनाना है ना, फिर जो उसकी चलेगा वाली प्रवृत्ति हो जाती है ना, तो वो जरा ऐसा वो ये जो बताते हैं वो लोग जो कहानी बनाई है वो तो ये बनाने बनाई है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भैंस का दही बासी पूरी के साथ नहीं खाना चाहिए, माने ऐसी मादक चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो आलस पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये बताने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि वो फाड़ू रोग हो गया। तो अभी फाड़ू रोग होना चाहिए तुम्हें, ये नहीं कि मैंने तो एक दफ़े लिख दिया और इतना ये बन लेख हो गया, मुझे दूसरी दफ़े देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, समझ में आई ना। वो जो हमारे से एक मित्र समझ लो, कोई भी समझ लो, मैं बता नाम नहीं बताना चाहता, तो पत्र भी लिखाया ना उसको, तो उसको भी द्वारा देख लिखा दिया, फिर उसे जब वो साइन कराने आएगा ना तो उसे भी पढ़ते नहीं थे, साइन कर देते थे, अब उसने जो भी टाइप कर दिया वो चला गया, मेरी से बिल्कुल नहीं जमती थी, मैं बहुत इस बात से नाराज था। अरे मैं अपना प्रूफ 25-25 दफे पढ़ता हूँ, मुझे आलसी नहीं आता, मुझे आनंद आता है, बिल्कुल नहीं कोमा भी नहीं है, तो भी मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, जितना निकले निकलता रहता है। ये ऐसा क्यों करते हो? पर इसमें तो मैं कहता हूँ हम इतना हम शास्त्र लिख रहे हैं, क्योंकि हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, हम उसके प्रति इतने लापरवाह हो। अब आप ही कहेंगे वाह हम अपने को शास्त्र लिखने वाला आचार्य समझे, तो और हो गया चढ़ जा बेटा सूली पे भरा करे भगवान है? तो उसकी भी मैं बताता हूँ, जब किरमत पर्याय किताब मैंने लिखी थी तो सब विद्वानों को भेजी, मुनिराजों को भेजी, तो खेमचंद भाई का नाम सुना आपने? सोनगढ़ के बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, सब अपन लोगों से बहुत वात्सल्य भाव रखते थे, वो संस्कृत के सारे प्रूफ वगैरह देखते थे, मतलब संस्कृत वगैरह के भी अच्छा अधिकार था। तो उन्होंने लिखा आपने जो एक क्रमबद्ध पर्याय नामक शास्त्र लिखा ऐसा है ना, ऐसा छपी है क्रमबद्ध पर्याय में उनकी सम्मति छपी है, आप लोग पढ़ना। तो मैंने कहा क्या भाई जी क्या है? आप शास्त्र लिखते, मैंने तो किताब लिखी है, आप कह रहे शास्त्र लिखा, मैंने तो किताब लिखी शास्त्र नहीं लिखा, समझ में आई ना। तो वो बोले कि तुम्हें ये अभिमान हो गया कि तुमने लिखी इसलिए मैं तुम्हें शास्त्र लिखा कह रहा हूँ। अरे वो तो अपनी विषय वस्तु के कारण शास्त्र है, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो अपनी विषय वस्तु के कारण शास्त्र है, वो तुमने हुकुमचंद ने लिखा इसलिए शास्त्र नहीं है। बोलो नए चक्र शास्त्र है कि किताब? तुम लोग तो पढ़ते हो ना, इसलिए मैं कहता हूं। तो वो तो हमारे हर सेवक भगवान की वाणी के अनुसार है, आचार्यों की वाणी के अनुसार है, एक एक पंक्ति इतनी स्पष्ट है इसलिए वो शास्त्र है।
अभी कहोगे इससे फिर तो हम तो घमंड हो जाएगा कि हमने शास्त्र लिखा, कि नहीं होगा एकदम सही लेन पे हो गए तो तुमको और गहरी जिम्मेवारी महसूस होगी कि ये मैं शास्त्र लिख रहा हूं, इसमें कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना, ये जिम्मेवारी महसूस होनी चाहिए तो ही वो लेखक बन सकता है। यानी इतना आलसी अपना लिखा पढ़ नहीं सकना चाहता है, कहाँ है भैया अपना? ये मेरे पेज पलट जाते हैं, ये तो 72वीं का था, आ गई कौन सी, कौन सा पेज 30। अब अपन पढ़ रहे थे निश्चय से, क्या पढ़ रहे थे, आचार्य जयसेन की टीका। निश्चय से शुद्ध स्वरूप होने पर भी व्यवहार से कर्मोदय के अधीन होने से पृथ्वी आदि पांच सूक्ष्म स्थावरत्व को प्राप्त जीवों से लोग जिस प्रकार भरा रहता है उसी प्रकार पुद्गलों से भी भरा रहता है। इससे ज्ञात होता है कि जिस शरीर अब ग्राह्य क्षेत्र में जीव रहता है उसी में बंधे योग्य पुद्गल भी रहते हैं, जीव उन्हें बाहर से नहीं लाता। बात तो साफ है। अभी मेरे इस पर कमेंट थी कि जो उदाहरण दिया वो भी उतना ही कठिन जो बताया है। मैंने परमाणु लोग में भरे, अब कहते जीवों से भरे तो परमाणु तो कहता थे स्कंद बन के दिख भी जाए, वो जीव तो कभी दिखेंगे ही नहीं, तो वो तो और सूक्ष्म है। क्यों शांति जी, जो उदाहरण दिया वो तो और अधिक सूक्ष्म को दिया कि जैसे उन जीवों से ये लोक लोक भरा हुआ है ना, अपन कहते हैं ऐसे उन पुद्गल परमाणुओं कार्मन परिणाम से भी भरा है। तो कार्मणाएं तो पौद्गलिक है और जीव तो पौद्गलिक नहीं है, तो वो तो क्या नाम ज्यादा सूक्ष्म है ना, तो वो उदाहरण दिया। तो उदाहरण क्यों, फिर उदाहरण की स्थूलता इससे नहीं गिनी जाती है। कैसे गिनी जाती है, जो प्रसिद्ध हो वादी प्रतिवादी को वो उदाहरण बन जाता है, और जो एक को प्रसिद्ध नहीं हो तो जो उनके श्रोता होंगे मुनिराज लोग जो हैं उनके लिए जीव लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं ये बात प्रसिद्ध होगी, तो एक कालमान बगना है वैसे ही भरी हैं, ये बात हमने समझा दी। अभी कोई इतनी विशिष्ट नई बात नहीं थी मेरे कहने का मतलब, अभी जैसे आप लोग भी सब जानते होंगे और गैर मुमुक्ष जो आपके विद्यार्थी नहीं हैं ऐसे मुमुक्ष भी जानते हैं लोकालोक ठसाठस भरा है कालमान बगनाओं से भी और जीवों से भी। अब आप अपना कमेंट्स। इस प्रकार इन गाथाओं में और उनकी टीका में यह कहा गया है कि जिस प्रकार से यह लोक अनंत जीवों से ठसाठस भरा हुआ है उसी प्रकार अनंत कारमान वर्णाओं से भी भरा हुआ है। इसलिए जब आत्मा के रागादि भावों का निमित्त पाकर कारमान वर्णाएं अपनी पर्यायगत योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती हैं तब उन कार वर्गणाओं को दूसरी जगह से लानी नहीं पड़ती, अपितु जहाँ जीव हैं उसी स्थान से स्थित कारमान वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ना तो आत्मा पौद्गलिक कारमान वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमाता है और ना उन्हें कहीं से लाता ही है, वहीं स्थित वे कारमान वर्गणाएं आत्मा के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं, आत्मा से बंध जाती हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, सहज निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, ये समझाना उनका उद्देश्य है। क्योंकि वो हमने निमित्त है तो निमित्त करता तो किसी न किसी से तरीके से हम उसमें अपनी कर्तृत्व बुद्धि लगा देते हैं, कहीं निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, क्यों कि नहीं है निमित्त, क्यों हम कहते हैं कि निमित्त है तो तुम बताते हो कि निमित्त है और हम कहते हैं तो तुम मना कर दो। गुरुदेव से ऐसा प्रश्न किया था तो कहने का जिस कारण से
तुम हमसे एक कहलवाना का निमित्त है, निमित्त है, एक कहलवाना चाहते हो, उसी कारण से हम कहना नहीं चाहते। तुम्हें निमित्त है, निमित्त है, इस बहाने से अपने दिमाग में कर्तृत्व को कायम रखना है, और हम कर्तृत्व का कायम रहें एक किसी कीमत पर नहीं चाहते। अब देखो शांति जी, फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ और कोई कहीं मत ले जाना, समझे ना। मुनिराजों के पास हम जाते हैं, समझे ना, और फिर मान लो ऐसे अपन ने तिहाज जोड़ लिए, तो पिता हाँ हमें नमस्कार किया, हमें नमस्कार किया, हमें नमस्कार किया, तो दूसरी दफे जाते हैं तो ऐसे हाथ रख के जाते, ऐसे हाथ रख के जाते हैं, क्या क्या क्यों कि तुम्हें जिस वजह से ऐसे करवाना है हमें उसी वजह से ऐसे नहीं करना। वैसे इतने में तो क्या गृहस्थ एक दूसरे को समान तरीके से कर ही लेता है ना, माने इतना हम उतना करने को हम कोई अनुचित नहीं मानते हैं। कोई भी देखो एक समझ लो सिद्धांत, जितने धर्म हैं और उन धर्म के जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे कोई हों, वो चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे के, तो उन सब धर्म गुरुओं को सारे देश के सभी धर्म वाले प्रॉपर सम्मान देते हैं ना, क्योंकि वो लोकमान्य बड़े आदमी हैं। वो आप जो सम्मान दिया जितना, वो उनके धर्म के नाते नहीं दिया, वे जानते हैं कि नहीं हमारे नहीं आते, ना हमारे कभी आते हैं, ना हमारे प्रचन में आते हैं, ना हमें नमस्कार करते हैं, ना हमें आहार देते हैं, ना हमारे यहाँ दान देते हैं। जानते हैं ये हमारे नहीं है, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई धोखे में नहीं है, आप समझे ना है? लेकिन हम ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को। एक निर्मल सेठ जी है ना, तो अभी तो उन्होंने हमारी बहुत चापलूसी करी वहाँ पर, हाँ सिमर मेल गुलाम है, लेकिन एक दफ़े वो हमसे यहाँ बात करने आए थे, तो यहाँ पर यहाँ भी कौन है, क्या है उनका नाम, एन सी जैन साहब, नरेश चंद सेठी, तो उनके घर पर हम बैठे तीन आदमी, नरेश सेठी, निर्मल सेठी और मैं। तो निर्मल सेठी बोले वो कांजी ने ऐसा कहा, कांजी ने ऐसा कहा, वो स्वामी नहीं लगा। तो मैंने कहा भाई सभ्यता से बोलो, हाँ कांजी भाई ने ऐसा कहा, कांजी भाई, मैंने कहा वे कांजी स्वामी उनका नाम है, क्या कांजी स्वामी उनका नाम है, आप समझिए ना। तो मैंने उस पर बहस करने लग गया, तो मैंने कहा आपसे हमारी बात नहीं हो सकती, खत्म, पहले तुम विनय करना सीखो तब हमसे बात करने के लायक होगे। तुम उन्हें मान लो, उनके तुम भगत बन जाओ, ये हम तुमसे नहीं कह रहे, तुम हमसे भी नहीं कह सकते हो, फिर भी हम किसी का नाम लेंगे तो आप विद्यासागर जी हैं तो विद्यासागर जी महाराज बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे सभ्यतापूर्वक, ऐसा हमारे कहने से भी हमारी जबरदस्ती हमने उन्हें मान लिया ऐसा नहीं हो जाता, आप समझ रहे ना। यानी सभ्यता के भीतर बोलना हमारी ड्यूटी है, दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कहाँ हमारी सीमा खत्म होती है और कहाँ हम से होती है। अब हमारे तो सीमा ही नहीं समझते हैं, इस वक्त मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जितना मैं समझाना चाहता हूँ तुम समझ गए होगे। मतलब बिल्कुल बैलेंस हमारा जीवन होना चाहिए, शुद्ध सात्विक, किसी भी सम्माननीय पुरुष, जब प्रधानमंत्री बन जाता है दूसरी पार्टी का, तो विरोधी दल का आदमी भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे आप समझे ना, ऐसा ऐसा नहीं है जैसी वो गालियाँ पहले चुनाव में बकी थी और वैसी फिर वो यहाँ यहाँ बोलने लग जाए, ऐसा नहीं होता, आप समझे ना। ये अब वो हो गई ना, अभी हमें पढ़ रहे, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, पढ़ लिया ना जब अपन ने,
कि निमित्त निमित्तिक भाव सहज बन रहा है, उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है। यानी निमित्त निमित्तिक भाव तुम्हारे चित्त में स्वीकृत हो जाए और कर्ता कर्म भाव की गंध भी नहीं आए। भाई ये हमें तुमको समझाना है, और जब तक नहीं हमने ये समझा पाया तब तक समझ लो हमने अपना काम नहीं कर पाया। मैंने बैलेंस दो ही तो हम वो या तो कर्तृत्व आ जाता है माथे में और नहीं तो निमित्तत्व भी खत्म हो जाता है ना। निमित्तत्व रहे क्यों, क्योंकि निमित्त है ना, शास्त्र में वर्णन है ना निमित्तवादान का, और उसकी व्यवस्था है ना, तो उसको तुम ऐसे क्यों कहते हो कि तुम्हें क्या जरूरत तुम्हें निमित्त की। हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने एक धर्म द्रव्य बताया। तो बहुत से लोग कहते हम अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य माने ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या जवाब है इसका। हम फटाफट जवाब देने लगते नहीं माने तो वही ईथर जो काम करता है वो काम कौन करेगा, फिर वो जीव जीव द्रव्य चलेगा कैसे, हमें सिद्ध करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों, क्योंकि तुमने वो उसकी वजह से उसकी सत्ता स्वीकार करी। क्या हम ये कहते कि वो एक वस्तु है जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई है और उन्होंने बताई है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है उसके मानने में, कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि सर्वज्ञ की सत्ता से हम इनकार कर रहे हैं। हम माने जो चीज हमें दिखेगी हम उसको ही मानेंगे, सर्वज्ञ ने जो बताई हम वो नहीं मानेंगे। तो कब मानोगे, जब सर्वज्ञ हो जाएंगे तब मानेंगे, मतलब तुम ही सर्वज्ञ हो गए तब मानोगे। तो तुम आगम प्रमाण मानते क्या नहीं मानते, तो तुम सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम सर्वज्ञ तो बहुत दूर सम्यक ज्ञानी नहीं होगे, तब तक सम्यक दृष्टि भी नहीं होगी, तब तक मोक्ष मार्ग में पहला कदम नहीं पड़ेगा, मोक्ष मार्ग के मेंबर नहीं बन पाओगे रास्ते के। जैसे मैंने उनसे कहा था ना कि तुमसे मैं बात तब करूंगा, पहले तीन दफे बोलो कांजी स्वामी कांजी स्वामी कांजी स्वामी, फिर मैं तुमसे बात शुरू करूंगा। तो ये मर्यादा की बात है। हो गया ये पूरा, आत्मा ना तो पुद्गल कर्मों का करता है और ना उन्हें कहीं से लाता ही है। विगत गाथाओं में यह सिद्ध करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह समझाते हैं कि औदारिक आदि शरीर पौद्गलिक हैं और वे जीव के साथ स्वयंबद्ध होते हैं, जीव उनका कर्ता नहीं है और जीव शरीर रूप भी नहीं है। अब एक आगे गाथाओं में ये समझाएंगे। देखो एक मेरी स्टाइल है, आप समझ लो कि जब मैं पुरानी गाथाओं का समापन करूँगा तो अंत में उसका निष्कर्ष निकलूँगा, लिखूँगा दो लाइन में, फिर अगली गाथा शुरू करूँगा तो उसके शुरू में पिछली गाथा में क्या कहा ये लिखूँगा, और अब अगली गाथा में क्या कहेंगे ये लिखूँगा, फिर गाथा लिखूँगा तो गाथा में भी वही अर्थ लिखूँगा वही, और फिर पूरे तर्क युक्तियों से सिद्ध करूँगा और अंत में फिर दो पंक्तियों में लिखूँगा। तो आपको तीन तीन दफे जगह लिखी मिल जाएगी वो बात, तो तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए, वो इसलिए है और उसका संबंध आपको बैठता जाए। बहुत से लोग कहते हैं समय सार तो मोतियों की माला है, समझे ना, मोतियों की माला कह के क्या कहना चाहते हैं, ये मौक्तिक छंद होते हैं ना, जानते हो मुक्तक, मुक्तक में किसे कहते हैं, एक होता प्रबंध और एक होते हैं मुक्तक, इसमें एक कहानी चलती है ना, तो एक छंद में जो बात कही है उसका जवाब दूसरे छंद में आ सकता, आधा इस छंद में आ सकता आधा दूसरे में आ सकता, माने एक कंटिन्यूटी चलती है, वे छंद आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें प्रबंध बोलते हैं। जो एक छंद बिल्कुल सेपरेट होता है इसे दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं है वो मुक्तक कहलाता है। जैसे कि अपन बोलते हैं एक दुआ है ये सूर्य के तुलसी के ये दुहे हैं ये मुक्तक हैं।
समझ में आई ना। तो ऐसी मूर्तियों की माला माने मुक्तक छिन्न है, माने वो ये कहना चाहते हैं कि जी अलग अलग सूरदास जैसे उन्होंने लिख रहे थे, तुलसीदास जैसे उन्होंने इकट्ठे कर दिए। उनको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती एकदम। ये बात कह रही कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, फिर कहने की ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं। अब वो तो समझा दो ना, प्रमत्त अप्रमत्त, फिर ज्ञान दर्शन कही, फिर आ गए यानी जी वो मुनि चौहासा को समझाते हैं ऐसा। तो वे कहते अलग अलग है, उनको उनमें उनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं दिखती। समझ में आ रही है? तो मैंने ये इसलिए लिखा ऐसे श्रोताओं के लिए कि उन्हें उसकी कंटिन्यूटी समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल मोतियों की माला है, ये कोई वो बिल्कुल बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई चीज है। वो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग एक ही चीज, तो सूरदास तुलसीदास जैसे दोहे नहीं है। तो इसका एक दूसरे से संबंध जुड़ा। तो एक ऐसा भी पूरा एक शोध प्रबंध लिखा जा सकता है इस पर, तुम्हें तो PhD मिल सकती है इस पर कि इनकी स्टाइल, उनकी स्टाइल, अमरचंद की स्टाइल, जयसेन की स्टाइल, हिंदी वालों की भी निकाल सकते हो, गुरुदेव की स्टाइल भी निकाल सकते हो। समझे ना कि कौन कि यहाँ यदि वो लिखेगा तो ऐसा लिखेगा ही। यदि दो गाथाओं में नहीं लिखा होगा तो असली शिष्य होगा तो बिल्कुल वैसी भाषा बना के वहाँ वैसा लिख देगा। समझ गया?